बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव जी, आपने दर्शकों को अपनी वाणी से इस तरीके से बांधे रखा कि खेल का जो आनंद उन्होंने लिया वो तो लिया ही, लेकिन प्रत्येक वर्ष की भारतीय स्वास्थ्य भी आपने खेल के संचालन का जो एक सूत्री कार्यक्रम अपने सूत्र में बात के यहाँ लोगों को सुनाया दिखाया वो बहुत ही सराहनीय और बहुत ही प्रिय था। ये जोरदार हाई वोल्टेज में काफिला अब खेल क्योंकि रोशनी में होने जा रहा है तो देखना यह है कि किसकी पत्ती जली रहती है किसकी गुल हो जाती है। जो जितना जबरदस्त खेल दिखाएगा वो उतना ही तारीफ के पालियों के काबिल होगा और ये सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो रहे मुकाबले को देखने के लिए हमारे क्षेत्र की जनता जो सुबह से यहाँ पे इस मुकाबले को देखने के लिए मौजूद है उनको एक जोरदार मुकाबला इस गांव से कई जगह खिलाड़ी साई खेला की टीम भाई लड़का मुजफ्फरनगर का स्पॉट जरूर दिखाएगी। ये भी बल्ला मुजफ्फरनगर टीम में खेला और इसी उम्मीद के साथ कौन सी धनबाद रेलवे और ये लड़का आगे फटका है और जो लिफ्ट करा रहा था खेल की शुरुआत हो चुकी है। पता नहीं सदाब कहाँ का नहीं अब आपको वन बाय वन एक एक पॉइंट के बारे में नहीं हमारे वो जो बैठा स्पोर्ट कॉलेज यहाँ से कमेंट्री के माध्यम से बताते रहेंगे। ये जो मुकाबला हो रहा है अगर आप टिकट लेकर भी देखते तो शायद इतना सुंदर और इतना रोमांचक मुकाबला आप न देख पाते। बहुत ही सौभाग्यशाली है कि विद्यालय तो तमाम लोग यहाँ खुले हुए हैं, तमाम लोग विद्यालय चलाते हैं, लेकिन विद्यालय की जो पद्धति होती है एक आसन पद्धति और अनुशासन की पद्धति और खेलो इंडिया की पद्धति वो यहाँ से रामगढ़ पीजी कॉलेज में दिखाई देती है। बाबूजी के जन्मदिन पर ये शुभ अवसर क्षेत्रवासियों के लिए मनोरंजन का केंद्र होता है और इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। लोग खेलेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इस गांव पे इसी तरीके का पंजाब संदेश देखने को मिलता है आगे की कमेंट्री के लिए हमारे छोटे भाई अरुण जी अब आपको वन बाई वन सुनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जी। बहुत अच्छा खेल तो पता नहीं तीन अंक पर सिकती वाला गोरखपुर इसके बाद खेल का प्रदर्शन कर
अच्छी सर्विस खान, लेकिन इस बार सिंगल ब्लॉक मूसा के द्वारा एक पॉइंट एक अंक अर्जित किया गोरखपुर। धीरे धीरे एक एक अंक के साथ स्कोर में बढ़ोतरी हो रही है अभिनव भाई।
क्या कहना चाहेंगे आपको अटल के लिए? 4.3 है साइन ऑफ रेड एंड शाइन बोर्ड आपको कुछ गलतियां कम करनी होगी, यहां से सोचना होगा। लेकिन अंक साइन किस तरीके से ले रहे हैं आप देख सकते हैं, अलग बहुत कम कर रहे हैं, अपनी मजबूती पर खेल रहे हैं और अभी बहुत पावर जनरेट नहीं हुआ है, अभी नॉर्मली खेल खेल रहे हैं, लेकिन गलतियां कर रही है साइन के सामने गोरखपुर। अब इसे को चार्ज लेना होगा, इस तरीके के साथ खेलना होगा, अपने आप को ये मानना होगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। 9 नंबर, 11 नंबर और 3 नंबर तीनों खिलाड़ी बहुत शानदार है, अटैकिंग लाइन पे खड़े हैं, चक्रव्यूह एक 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 चार, खराब सर्विस करा, एक अंक यहाँ पर मिल जाएगा। 3 साइन रायबरेली को, गोरखपुर इनको वैसे पीछे चल रही है, ऊपर से सर्विस एरर आप कर रहे हैं, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अभिषेक को आना होगा, मोहसिन को आना होगा, लेकिन साई की टीम गजब खेल रही है, मानना पड़ेगा साई को। बढ़ते से पिछले साल फाइनल मुकाबले में हार गई थी टीम सादा और एक अंक मिल जाएगा फिर से साई रायबरेली को। साई रायबरेली को 22 गोरखपुर 16, 6-point lead है साई रायबरेली। फैंटास्टिक सर्विस किस वक्त बहादुर का साथ देती है और किस तक साई रायबरेली के साथ चल रही है, वो पीछे पीछे चल रहे हैं, किस वक्त आगे आगे भाग रही है। और अभिषेक देखिए परेशान नजर आ रहे हैं, लाचार है, बेबस है, लेकिन हमें भूलना नहीं होगा ये गोरखपुर वाले हैं, ये पहले हारते हैं फिर सिकंजा कसते हैं और फिर दबोच कर मामला डिसमिस कर देते हैं। बहुत अच्छा प्रयास सादात, यहाँ पर उसके पास ऐसा डिफेंस है, डिफेंस की साथ देनी होगी, सादात ने प्रयास किया, यहाँ से बॉल गिरना बहुत मुश्किल काम है। एक अंक के साथ अब कुछ न कुछ मुकाबले में जान बची हुई है, 17-23 अंतर है, 6-point लीड है साई रायबरेली का फर्स्ट सेट ऑफ दिस फाइनल मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट। दर्शक अपना स्थान नहीं छोड़ रहे हैं, कारण क्या है? कारण सिर्फ यही है कि मुकाबला बहुत काटिंग चल रहा है, अभी तक तो बराबरी का नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं साई की टीम धमाका सेंटर पे सीधा इस तरह, कोई ब्लॉक नहीं आया, खाली क्षेत्र था और एक रन की छाप पड़ी गई थी, कोई भी मौका नहीं। 24-17 सेट पॉइंट, हम गोरखपुर को पहला लगातार मान रहे थे, साई छुपी उत्तर निकल रही है, इसका मतलब यह है साई खेल रही है, साई बाबा की कृपा बरस रही है, गोरखनाथ शांत बैठे हुए हैं, क्या होगा देखना होगा, प्रभु जगन्नाथ किसको जिताते हैं। और इस तरीके से सहलाते हुए नजाकत भरा कर दिया गोरखपुर वाले, अब अलर्ट हो जाए, यहाँ से फाइनल का मुकाबला।